जब मैंने झांका मेरे होश उड़ गए, इतनी सारी मिट्टी, अब इसे साफ कैसे करें। अब इसे साफ करने के लिए या तो हमारे पास टिल्लू पंप वगैरह कुछ चाहिए, जिससे हम पानी को वेस्ट भी ना करें और किसी में भरते जाएं, उसके बाद उसकी मिट्टी को साफ किया जाए, या कोई ऐसा बंदा चाहिए जो अंदर जाए उसकी सफाई करे। अब ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या करूं। मैंने एक छोटी सी जुगाड़ बनाई है, पहले उसको देख लेते हैं। ये चीज़ें जो है ना हमारे घर में होती हैं, कोई भी पाइप ले लीजिए, जैसे लाइट वाला कोई पाइप होता है वो ले लीजिए। अगर पाइप भी ना हो ना तो कोई बात नहीं, हमारे पास बड़ा सा वो हो जाता है ना वाइपर, उसका पाइप आप निकाल सकते हो थोड़ी देर के लिए। कोई भी खाली बॉटल ले लीजिए और एक लेजम जिससे हम पानी भरते हैं, ऐसा कोई लेजम ले लीजिए, बस हो जाएगा काम। एक टेप और ले लीजिए जिससे हम अच्छे से इसे फिक्स कर लें, ठीक है। पहले बॉटल को कट कर लेते हैं। हमें कुछ ऐसा वैक्यूम बनाना है जिससे हमारा काम हो जाए, इसे हमें बहुत पास पास में कट करना है। मैंने इस तरीके से बना लिया। अब जो इस टाइप का जो पाइप होता है ना, उसे हमें इसमें फिक्स करना होगा। ये मैंने इसे पैक कर दिया इस तरीके से। आप किसी की मदद भी ले सकते हो, मतलब दो जने हो तो काम हो जाएगा। ये आधी जुगाड़ तो हमने कर ली, बस थोड़ा सा काम और है। ये टंकी हमारी बिल्कुल साफ हो जाएगी। पाइप के दूसरी तरफ मैंने इस तरीके से ये लगा दिया है। अब इसी में मैं इस पाइप को जोड़ने वाली हूँ। यहाँ भी आपको कुछ ढीला लगे तो आप टेप से इसे अच्छे से जोड़ सकते हो। ये वाला पोर्शन जो है हमें टंकी के अंदर डालना है। ये देखिए कितना गंदा कचरा आ रहा है, जो दिख भी नहीं रहा था। कितना नमक सा पानी आ रहा है, तभी तो एक वैसे भी नॉर्मल हमारे यहाँ तो खारा पानी आता ही है, इस नमक की वजह से और ज़्यादा खारा होता जा रहा है, जिसकी वजह से बाल अच्छे से साफ ही नहीं होते थे। तो इस टंकी को साफ़ करना ज़रूरी है, 3-4 महीने में हमें इसी तरीके से साफ़ करनी चाहिए। मुझे बहुत वक्त हो गया इस टंकी को साफ़ करने के लिए, मैं हमेशा यही सोचती थी टंकी को साफ़ करूँ कैसे। तो अब ये बहुत ही अच्छी जुगाड़ है, छोटी सी जुगाड़ है। ये देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है, ये देखिए अभी एक बाल्टी पानी भी नहीं है और पानी कितना ज़्यादा गंदा आ रहा है। ये देखिए ये नमक है क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। देखा ना आपने टंकी किस तरीके से साफ हुई है और कितना सारा अंदर से मिट्टी और कचरा निकला है। 2 घंटे मैंने आज दिए अपने इस टंकी को, लेकिन टंकी साफ हुई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा।